राधे राधे नवरात्रि की पहली दिन की कथा आरंभ करते हैं। आज हम शैलपुत्री की कहानी सुनाएंगे। माता शैलपुत्री वो कैसे बनी, इसके लिए हमें बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा। जो माता सती थी, माता सती का विवाह शिव से हुआ। कुछ समय बाद माता सती के परिवार में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें वो जाने की इच्छा रखती हैं। वो भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे अपने परिवार में, मुझे अपने मायके जाना है, मुझे उस यज्ञ में जाना है, कृपया मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं कि आप वहाँ मत जाइए, आपका वहाँ अपमान होगा, आपके लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। तो माता सती कहती हैं, आखिर है तो वो मेरा परिवार ही, मुझे वहाँ जाने की अनुमति दीजिए, मेरा बड़ा मन है वहाँ जाने का। तो फिर भोलेनाथ कहते हैं कि आप वहाँ जा रही हैं तो मेरी बिना आज्ञा के जा रही हैं, मैं आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ आप बिना निमंत्रण के जा रही हैं तो आपका सम्मान नहीं होगा, वहाँ अपमान भी होगा। लेकिन फिर भी माता सती नहीं मानती हैं और वे भोलेनाथ की बिना आज्ञा के अपने परिवार में जाती हैं यज्ञ में। जैसे ही वो अपने पिता के घर जाती हैं तो वहाँ पर जैसे ही सब लोग देखते हैं उनको, तो पिता ने जो उनका अपमान किया, जो तिरस्कार किया, वो देखने वाला था, क्योंकि माता सती को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका इस तरह अपमान होगा। पिता ने कहा, किसने बुलाया है तुम्हें यहाँ, क्यों आई हो यहाँ पर, तुम्हें उसने क्यों भेज दिया, उसने क्या नाम है, भोलेनाथ को अंत संत कहते हैं। तो माता सती को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे, फिर वो पछताती हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनके बिना आज्ञा के मैं यहाँ पर आ गई, और वो बड़ा अफसोस करती हैं। लेकिन क्या करती, वो तो आ चुकी थी, अब वो वापस भी जाती तो वो ये उनके मन में विचार आया कि मेरे पति क्या सोचेंगे, मैंने बिना उनकी आज्ञा के, कहते हैं ना कि अपने, जब हमारी शादी हो जाती है तो स्त्रियों को अपने पति की ही बात माननी चाहिए, उन्हें कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें पता होती हैं, इसीलिए कभी कभी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और हमें अपने पति की बात मान ही लेनी चाहिए। वहाँ पर सती माता भी यही सोच रही थी कि मैंने क्यों अपने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, क्यों मैं उनके बिना आज्ञा के यहाँ पर आ गई, अपनी बेइज्जती करवाई, अपना तिरस्कार करवाया और अपने साथ साथ अपने पति का भी तिरस्कार कराया, उनका भी अपमान हुआ। फिर क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी, यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, सारे जितने भी यज्ञ करने वाले थे सब उनको देख रहे थे कि किस तरह से उनका अपमान हो रहा है, लेकिन वो अपना अपमान तो सह सकती थी लेकिन वे पति का अपमान नहीं सह सकती थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्रोध में आकर उस धधकती हुई यज्ञ की वेदी में अपने प्राण त्याग दिए, वो कूद गई उसमें और धू धू करके जल गई। ये देख कर सारे जितने भी वहाँ पे मेहमान थे, जितने भी यज्ञ करने वाले थे, जितने भी गुरुजन थे, परिजन थे, सब हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, वो इस तरह से उनका अपमान हुआ और वो इस तरह से उसमें वेदी में जल गई। जब भोलेनाथ को ये बात पता चली तो भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और वो अपने क्रोध को नहीं सह पाए और वो आते हैं वहाँ से, यज्ञ की वेदी से अपनी पत्नी का शव उठाते हैं, सती का शव उठाते हैं और वो क्रोध में उस शव को ले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद फिर हमारी शैल पुत्री माता जन्म लेती हैं, शैल के यहाँ पर जन्म लेती हैं, जिसे उनका नाम शैल पुत्री पड़ता है। ये है शैल पुत्री माता की कथा। तो आपको कैसी लगी, कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़, मैंने अपना नवरात्रि का सेकेंड वीडियो, दूसरे दिन का वीडियो शेयर कर दिया है, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। दूसरे दिन की कथा आई होप आपको अच्छी लगेगी। राधे राधे, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।